मैं इस वीडियो के लिए कुछ ज्यादा ही सुंदर हूँ। काफी है, अब चलना चाहिए। मजाक कर रही हूँ। पकड़ लिया। क्या? केसी रुको, केसी। केसी, ये तुमने क्या किया? तुम्हारा मेकअप ठीक कर दिया। ओह नो, मेरा मेकअप। अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगी? तुम ऐसी ज्यादा अच्छी लग रही हो। तूने सब गड़बड़ कर दिया, अब मैं मम्मी को शिकायत करूंगी। मेरा मेकअप मत छूना। और ये लो। तो और भी बाकी है। यहाँ आओ बच्चू, मुझे अकेला छोड़ दो। ओ, तो तुम खुद को बंद करना चाहती हो? तो ठीक है, अभी बताती हूँ। छोटी बहन, दरवाजा खोलो। ठीक है, तुम्हें ये चाहिए, जल्दी सोचो। सांप, सांप, सांप। उसी के साथ रहो। केसी, प्लीज मुझे बाहर आने दो, मैं तुम्हारा मेकअप दोबारा नहीं लूंगी। मुझे यहाँ से बाहर आने दो। केसी प्लीज सुनो, प्लीज। तुम्हें इस बारे में पहले सोचना चाहिए था। केसी प्लीज मुझे बाहर आने दो। केसी प्लीज, अंदर मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम इसी के लायक हो। तुम इतनी चुप क्यों हो? ईवा, ईवा क्या हुआ? गॉड, वो बेहोश हो गई। ईवा, ईवा कहाँ हो तुम? ईवा, वो अब यहाँ फंसने की तुम्हारी बारी है। हाँ, ईवा, ईवा मुझे बाहर निकालो मूर्ख, मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगी। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। दोस्तों, केसी जैसी बहन के लिए आप कैसे रिएक्ट करते? कमेंट्स में लिखे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हे हे। ईवा, दरवाजा खोलो। ईवा, तुम बहुत पछताओगी। क्या हुआ, तुम इतनी लेट क्यों हो? मुझे तो लगा था तुम स्कूल ही नहीं आओगी। ये सारी केसी की गलती है। ओ, समझ गई, हमेशा की तरह केसी की मस्ती। हाँ, मैं सच में बहुत थकी हुई हूँ। और तुम्हारा बैग कहाँ है? ओ नो, वो तो मैंने देखा ही नहीं, वो तो मैं जल्दबाजी में घर ही भूल गई। खैर, देखते हैं मिस क्रिस्टी क्या कहती हैं। हे, हाय जैक। हाय। क्या चल रहा है? मेरी टीना चली गई, अब मैं उसके बिना कैसे रहूंगा? लेकिन वो तो सिर्फ अपनी आंटी के साथ फ्रांस गई है, जल्दी आ जाएगी। तुम्हारे लिए ये सब कहना आसान है ना, लेकिन अगर वो नहीं आई तो फिर मैं क्या करूंगा? तो क्या बच्चों की तरह रो रहे हो? दोस्तों, जैक की मदद करते हैं। अगर इस वीडियो को 3 दिन में 8,000 लाइक मिलेंगे तो टीना वापस आ जाएगी। जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए ना दोस्तों, प्लीज। देखो जरा, क्या है ये? अभी तक क्लास के लिए रेडी नहीं हो? अबे, उसने तो गुड मॉर्निंग तक नहीं बोला, बस चिल्लाते हुए चली आई। आहा, बात मत करो, अपनी बुक खोलो जरा। जरा एक मिनट, केसी कहाँ है? गुड मॉर्निंग मिस क्रिस्टी। केसी, क्या तुम पागल हो? एक तो तुम क्लास में लेट आई हो और फिर भी ऐसे आई हो। आई एम सॉरी मैम, ये किसी की वजह से हुआ, मुझे खिड़की से बाहर निकलना पड़ा। दिख रहा है निकलते हुए तुम झाड़ियों पे भी गिरी। तुम सच में अभी तक हंस रही हो मेरे ऊपर? रुको, अभी तुम्हें बताती हूँ। आखिर तुम कब तक ऐसे ही झगड़ते रहोगे? तो
तुम्हें पता भी है इस वीक में पांचवी बार तुम्हारे झगड़ों की वजह से हमें स्कूल आना पड़ा है। क्या तुम दोनों इंसानों की तरह नहीं रह सकते? ये कैसे ने शुरू किया था, ये हमेशा मेरा मजाक उड़ाती है। ये सच नहीं है, ये ईवा की गलती है कि हमेशा मेरे कपड़े पहन लेती है। और मैडम, तुम्हें अपनी बहन को लिपस्टिक देने में परेशानी होती है? हाँ बहुत बहुत हो गया, मैं थक गई हूँ तुम्हारी नौटंकियों से। मैं भी। हम लोग तुम्हें तुम्हारी दादी के यहाँ भेज रहे हैं एक महीने के लिए। नहीं, दादी के घर नहीं जाना। शायद तुम लोग वहाँ जाकर थोड़ा सुधर जाओ, क्योंकि यहाँ पर ये होना तो नामुमकिन लग रहा है। बिल्कुल सही कहा, तुम लोग तो बहने हो ना। हाँ, मैं समझ गई, आई एम सॉरी, मैं दोबारा गलती नहीं करूँगी। सच में? बिल्कुल, ये तो प्रैंक्स थे, मेरी प्यारी बहना। ओ, मेरी प्यारी बहना। ओ। हाँ। तुम मेरा पाउडर ले सकती हो। वाओ, थैंक यू। ओ, ये क्या है? ओ, ये तो तुम्हें मजा आया? उस भी करो केसी। ओह, आउच। मुझे इसकी पिक्चर जरूर लेनी चाहिए। केसी! आपने देखा इसने क्या किया, मैं परेशान हो चुकी हूँ। क्या हुआ? ये बहुत फनी है। अपने कमरे में जाओ। ओके ओके, हमें इनका कुछ करना ही पड़ेगा। मुझे पता है क्या करना है। गुड मॉर्निंग छुटकी, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? अजीब है, शायद मुझे डराना चाहती हो, तुमसे ना हो पाएगा। आहा, यह नहीं है, पकड़ लिया। कहाँ गई? ठीक है, तुम्हारे कपड़े यहाँ नहीं है, शायद उसने धोने डाल दिए होंगे। लेकिन उसका बैग भी यहाँ नहीं है, इतनी जल्दी स्कूल तो नहीं जा सकती। पक्का कहीं छुपकर मेरे ऊपर प्रैंक कर रही है। ठीक है, मैं ढूंढ लूंगी। हाँ, वो नहा रही है। अब उसे गुड मॉर्निंग बोलने का टाइम नहीं है। नहीं, मैंने कल भी सांप से डराया था। ओह, शावर में मकड़ी रहेगी। हाँ। एक मिनट, कुछ दिन पहले ये भी मर चुकी है, अभी मैं क्या करूं? आई थिंक मुझे मिल गया। गुड मॉर्निंग छोटी बहन। ओह केसी, क्या तुम पागल हो गई हो? सॉरी मम्मी, मैंने सोचा ईवा है। मतलब तुम किसे ढूंढ रही हो? सॉरी, मैं जानती हूँ आप हम बहनों में प्रैंक से गुस्सा हो, लेकिन ये आखिरी है, प्रॉमिस करती हूँ। क्या? कौन सा प्रैंक्स? कौन सी बहन? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मेरी छोटी बहन ईवा। केसी, अब ये कोई नया प्रैंक है क्या? हटो यहाँ से, अब मुझे ये क्रीम भी साफ करनी पड़ेगी तुम्हारी वजह से। मम्मी को क्या हुआ है? शायद ईवा के साथ मिलकर कोई प्रैंक, लेकिन मुझे उसे अभी ढूंढना होगा। ईवा कहाँ छिपी है? मैंने घर का कोना कोना ढूंढ लिया।
ओ, वो रही, क्या सोचा था मुझसे छुप सकती हो? हेलो कैसी मिया, लेकिन मुझे लगा ईवा यहाँ खड़ी है। हाँ? कौन ईवा? तुम मजाक कर रहे हो, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड और मेरी बहन है। कैसी तुम क्या बोल रही हो, मेरी फ्रेंड तो लोला है। कौन लोला? मैं समझ गई, ये कोई नया प्रैंक है ना? क्या क्या चल रहा है? नहीं, मैं बुद्धू नहीं बनने वाली, बहुत हो गए तुम्हारे जोक्स। क्या तुम और ईवा मिलकर कुछ खिचड़ी पका रहे हो? मैं नहीं फंसने वाली, बता दो ईवा को। बताओ ईवा कहाँ है? छोड़ो मुझे, मैं नहीं जानती किसी ईवा को। बुद्धू बनाना बंद करो, बताओ कहाँ छुपी है वो, बताओ मुझे अभी। जाने तो मुझे, हेल्प, ईवा कहाँ है? मैं पुलिस बुला लूंगी, मुझे जाने दो, हटो यहाँ से पागल लड़की। मिया क्या चल रहा है, मुझे जैक को कॉल करना पड़ेगा, शायद उसे कुछ पता हो। वो लोग मेरे मजे ले रहे हैं, पहले मम्मी अब मिया, ऐसे नाटक कर रहे हैं जैसे ईवा को जानते ही नहीं, या वो कहाँ है, समझ रहे हो ना तुम? अच्छा, समझ नहीं आ रहा कि आगे मैं क्या करूं, ऐसा लगता है शायद ये लोग पागल हैं या मैं पागल हो गई हूँ। ईवा चली गई है और उसकी चीजें भी। ओ, ऐसा क्या? हे, तुम मुझे सुन भी रहे हो या नहीं? मेरी टीना, तुम कब वापस आने वाली हो? जैक, हेलो, मेरी बहन लापता है। और मेरा प्यार भी तो लापता है ना? हे, तुम्हारी टीना लौट आएगी, लेकिन किसी को नहीं पता कि ईवा है कहाँ। ये मुझे वापस कर दो, ये टीना की आखिरी निशानी है मेरे पास। हे, बहुत हुआ, तुम्हारी फ्रेंड की बहन लापता है, सुना तुमने? क्या बहन बहन लगा रखा है? तुम्हें भी याद नहीं, तुम्हें ईवा याद नहीं? इस वक्त मुझे कोई भी दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा है, मेरे दिल में तो बस टीना के लिए जगह है। सच में मैं पागल हो रही हूँ, तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं? मैं भी पागल हो गया हूँ, लेकिन प्यार में। तुम पागल हो, मैं ईवा को खुद ढूंढ लूंगी। लेकिन वो कौन है? मेरी बहन बुद्धू। तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो, है ना टीना, सही कहा ना? मुझे पता है तुम्हें कैसे पकड़ना है, कुछ भी हो पर तुम अपनी बहन के मेकअप से दूर नहीं रह सकती। और अब मैं जाल बिछा देती हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हारे साइज का है। अब तुम जरूर फंसोगी, बस इंतजार रहेगा। शायद ये वही है। अब मजाक खत्म हो गया बहन। मम्मी, केसी, ये सब क्यों है? सॉरी मम्मी, मैं तुम्हारा यहाँ फैलाया हुआ मेकअप ठीक कर रही हूँ और तुम ये सब क्या कर रही हो? ओह सॉरी मम्मी, मैं ईवा को पकड़ना चाहती थी। ये ईवा कौन है, तुम सुबह से उसकी बातें किए जा रही हो। मुझे परेशान करना बंद करो, मेरी बहन ईवा। पता नहीं तुमने ऐसा कौन सा सपना देख लिया है जो ऐसी बातें किए जा रही हो। ये कोई सपना नहीं है, ईवा आपकी बेटी है। देखो, तुम्हारे पापा और मेरी एक ही बेटी है और वो तुम हो। फालतू की बातें करना बंद करो वरना तुम्हारी पिटाई लगा दूंगी। लेकिन मम्मी, मैंने कहा चुप हो जाओ, और ये लो अपना मेकअप का सामान, इसे यहाँ वहाँ फैलाना बंद करो। ये नहीं हो सकता कि ईवा है ही नहीं। डैडी से पूछती हूँ, शायद उन्हें पता हो कि ईवा कहाँ है। डैड, क्या बिजी हो? हाँ सही कहा, मैं काम कर रहा हूँ। मैं बस आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि ईवा कहाँ है। अब भला ये ईवा कौन है, तुम्हारी कोई नई दोस्त बन गई है क्या? डैड ऐसा मत करो, मैं जानती हूँ आपने उसे कहीं छुपाया है। किसे छुपाया है, आखिर ये ईवा है कौन भला? मेरी बहन ईवा। केसी, मेरे पास तुम्हारे जोकों के लिए समय नहीं है, मैं काम कर रहा हूँ तो तुम निकल जाओ यहाँ से। तो आपको सच में ईवा याद नहीं? नहीं, अब जाओ यहाँ से।
वो रही। कौन? ईवा, वो उस फोटो में। तुम ये सब क्या बोल रही हो? आपने गिरा दी। देखिए, आप, मैं, मम्मी और ईवा। इसके अंदर कोई ईवा नहीं है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? देखिए, ईवा कहाँ गई? यही तो थी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? लेकिन मैंने उसे देखा। फोटो में ईवा हमारे साथ थी। केसी, लोग ऐसे ही फोटो से गायब नहीं हो सकते। बातें बनाना बंद करो तुम। ओ नहीं, ईवा भी यही थी और फिर गायब हो गई। फ्रेंड्स, आप तो मेरा यकीन करो, फोटो में ईवा थी। कमेंट्स में बताओ। और अगर माँ की तरह आप भी ईवा को भूल गए तो मैं उसे खुद ही ढूंढ लूंगी। मैं हर हाल में तुम्हें ढूंढ लूंगी। शायद मम्मी पापा को तुम याद नहीं, लेकिन मुझे याद हो। ओह, शायद सिंधी और फिल ने उसे देखा हो। या हे फ्रेंड्स। हाय यार, तुम लोगों ने आज ईवा को देखा? कौन? ईवा, मेरी बहन। क्या वो ऐसे छोटी सी है? हैं, छोटी? हाँ, गुलाबी बाल है। हाँ, और वो हमारी क्लास में ही है, हैं? हाँ। और उसके हिरण जैसे सींग है। हाँ, और बकरी जैसे खुर। बकरी जैसे खुर? या क्या, सींग और खुर? बस हम लोग तो तुम्हारी बहन को इमेजिन कर रहे हैं। हाँ, अगर वो सच में होती। क्या मतलब है तुम्हारा? तो तुम लोगों को भी ईवा याद नहीं? लेकिन वो है। मुझे तो कुछ याद नहीं। मुझे भी नहीं, पर ये ईवा है, मेरी ईवा। अब छोड़ो सिंडी, लगता है कैसी पागल हो चुकी हाँ। है। आखिर तुम मुझे यहाँ पर लाई ही क्यों? हा? मुझे आराम करना है। इमेजिनरी ईवा के बारे में सोचना बंद करना है। किसी को भी वो याद नहीं, इवन तुम्हें भी नहीं। मेरे दिल और दिमाग में तो बस टीना है। ओ, फिर से नहीं। शॉपिंग पर जाने से तुम्हें टीना की याद नहीं आएगी। मैं टीना के बारे में सोचना बंद कैसे कर दूं? वही तो मेरी जिंदगी का प्यार है। बहुत हुआ, अब ड्रेस चुनने में मेरी हेल्प करो। ठीक है। ओ, ये अच्छे नहीं है। इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वाओ, यही ड्रेस तो मुझे चाहिए थी। कितने की है? मुझे 500 रुपए में मिली। वाओ वाओ। हाँ? ईवा को ये जूते पसंद नहीं है। गुड आफ्टरनून, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? ईवा और मैं हमेशा खेलते थे और कपड़ों को लेकर झगड़ते थे। ये नहीं, ये नहीं भी नहीं। ओ, यही तो चाहिए थी। हाँ? ईवा, तुम फिर से अपने कपड़े इधर उधर फेंकने लगी। मैं पहनने के लिए कुछ अच्छा ढूंढ रही हूँ। पागल हो क्या? ये मेरी शर्ट है और ये मेरी टी शर्ट है। तो क्या आज मैं इसे पहनूंगी? नहीं। क्या मैं तुम्हारे कपड़े नहीं पहन सकती? तुम भी तो मेरे कपड़े पहनती हो। मुझे यही टी शर्ट पहननी है। अच्छा, जरा लेकर तो बताना। इसे मुझे वापस दो। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। मुझे वापस करो। देखो, मैंने इसे पहन भी लिया। ये मेरी है। इसे मुझे वापस करो। नहीं दूंगी मैं। मेरी शर्ट वापस करो, आज मैं इसे पहनूंगी। इसे वापस करो। हेल्प, मैं आपको अपनी शर्ट नहीं दे सकता। अरे केसी, सपनों की दुनिया से बाहर आ जाओ। क्या, कहाँ हूँ मैं? तुमने लगभग उस बंदे के कपड़े फाड़ दिए थे अभी। इट्स ओके, ये सब होता ही रहता है। क्या आपको कुछ और नहीं खरीदना? हाँ, ये जूते। पर उस ड्रेस का क्या जो तुम्हें बहुत समय से चाहिए थी? और तुम्हारे पास $500 ही तो है अभी। मुझे वो ड्रेस बहुत पसंद है। शायद ईवा ये जूते देखे और छुपना बंद कर दे। मैं उसे बहुत याद कर रही हूँ।
तो फिर जूते या फिर ड्रेस? जूते। प्यारी ईवा, काश तुम देख लो कि मुझे तुम्हारी कितनी परवाह है और तुम वापस आ जाओ। ये क्या है? ये ईवा की लिपस्टिक है। मुझे सबूत मिल गया। मामी जारी यहाँ आओ। क्या हुआ? देखो मुझे क्या मिला। एक लिपस्टिक। हाँ बहुत ही अच्छी बात है बेटा। हमें खुशी हुई, लेकिन तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं, ये ईवा की लिपस्टिक है, मैंने इसका आविष्कार नहीं किया। केसी, ये भी एक आम लिपस्टिक ही है, तुम्हारे पास तो भंडार है इन सब का। नहीं, ये कलर मैं नहीं लगाती हूँ और मम्मी भी नहीं, ये ईवा की लिपस्टिक है। देखते हैं, मुझे दो जरा। केसी, ये तो तुम्हारी लिपस्टिक है। नहीं। क्यों नहीं, लास्ट वीक ये मैंने तुम्हारे लिए ही खरीदी थी। ये सच नहीं है, मुझे ये कलर पसंद नहीं है। तो अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम्हारी मॉम ये रख लेंगी। बिल्कुल, ये ईवा की है। ईवा है, नाटक बंद करो। केसी शांत हो जाओ और एक ऐसी काल्पनिक बहन की बातें करना बंद करो जो कि है ही नहीं। अगर तुमने ईवा के बारे में और कुछ बोला तो हम तुम्हें साइकेट्रिस्ट के पास ले जाएंगे। आप लोगों को साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, मैं शांत नहीं बैठूंगी। वेल जैक, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अभी कुछ देर के लिए टीना की परवाह छोड़कर मेरी बहन को ढूंढने में मदद करो। मैं 20 मिनट में कैफेटेरियन में मिलती हूँ। ईवा, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ईवा कहाँ गई? ओ नहीं, और क्या चल रहा है? हाँ क्या हुआ है तुम्हें? मैं पागल हो रही हूँ, मुझे हर जगह ईवा दिख रही है। जैसे तुम अपनी बहन बुलाती हो भाई। हाँ ये मनगढ़ंत नहीं है, मैं बातें बनाने में इतनी अच्छी नहीं हूँ और पागल भी नहीं हूँ। मैं पागल नहीं हूँ ना? वैसे मैं यकीन से तो नहीं कह सकता। जैक, हमें पता लगाना होगा कि ईवा कहाँ है। शायद उसे किसी ने किडनैप कर लिया है और सबके दिमाग की मेमोरी मिटा दी ताकि कोई उसे याद ना रख पाए। नहीं ये पागलपन है। या शायद एलियंस ने उसे उठा लिया है और सबकी मेमोरी मिटा दी उन्होंने हमारी छोड़ के। क्या कहती हो, यही हुआ होगा? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता सच में। हे, तुम तो डाइट पे हो है ना? हार में जाए डाइट में, स्ट्रेस में हूँ। स्ट्रेस तो चला जाएगा लेकिन एक्स्ट्रा वजन जो बढ़ेगा वो रहेगा। ओके, तो अब से मैं डाइट पर हूँ। इसके बाद बस, अब इसके बाद। केसी, ईवा के बिना मैं अब क्या करूँ? शायद मुझे पता है कि क्या करना है, चलो चलते हैं। अरे बाप रे। इसी के बारे में तुमने मुझे बताया था? हाँ, ये दुनिया की सबसे बड़ी ज्योतिषी है, जानती हो? तुम्हें यकीन है? हाँ, उन्हें सब कुछ पता है और जानती हो उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे अपनी जिंदगी का प्यार मिलेगा और अगले 3 दिन में ही मैंने टीना को डेट करना शुरू कर दिया। मेरे ख्याल से ये सिर्फ इत्तेफाक था, हमें कोई और ऑप्शन ढूंढना होगा। नहीं, यही तो बेस्ट ऑप्शन है, चलो चलते हैं, आ जाओ। हाय, यहाँ पर है हम लोग। कुछ मत बोलो, मुझे सब दिख रहा है। तुम एक रहस्य की परेशानी का उपाय ढूंढने आए हो। हाँ, मेरा नाम है। मुझे पता है, पता है, तुम्हारा नाम मार्गरेट है। नहीं, मेरा नाम केसी है। हाँ, लेकिन तुम्हारी दादी तुम्हें मार्गरेट बुलाती थी। नहीं, मेरी दादी मुझे केसी ही बुलाती है। तो तुम्हारी दूसरी दादी बुलाती होगी।
मैं एक ज्योतिषी हूँ, मुझे सब पता है तुम यहाँ क्यों आई हो। मेरी बहन लापता है, मैं आपको उसकी फोटो दिखा दूँ। ये रही फोटो, ये लो। ये मेरी गर्लफ्रेंड है और ये मुझे छोड़कर चली गई है और मुझे नहीं पता ये कब वापस आने वाली है। ठीक है ठीक है। जैक, क्या तुम पागल हो? टी अपनी आंटी के घर गई है। क्या हो अगर मैं वहाँ नहीं गई हो तो? तुम पागल हो, हम यहाँ ईवा को ढूंढने के लिए आए हैं। दो मिनट सबर कर लो, पहले मुझे टीना के बारे में बताइए ना आप। हाँ, मैं देख सकती हूँ वो जल्दी ही तुम्हारे पास वापस आ जाएगी और तुम्हारी बाहों में होगी। अच्छा भैया, ये तो बहुत अच्छा होगा, मेरा प्यार लौट कर आ रहा है। मुँ, मुँ, मुँ। अब मेरी बारी, मेरी बहन ईवा गायब हो गई है और मेरे सिवा किसी को भी याद नहीं है। एक प्रश्न एक उत्तर, तुमने पहले ही एक प्रश्न पूछ लिया है। लेकिन प्रश्न तो जैक ने पूछा था, मैंने नहीं। मेरी बहन के बारे में बताओ प्लीज। देर हो गई, पोर्टल बंद हो गया। वाह, मैंने बताया था ना कि वो सबसे बेस्ट है, उन्होंने मुझे टीना के बारे में भी बता दिया। बढ़िया, लेकिन अब मैं कैसे पता करूं ईवा के बारे में? ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है। ओह, ये तो मेरा पसंदीदा सलाद है। स्वादिष्ट खाना। ये केसी कहाँ पर है? केसी, आपने मुझे बुलाया? बैठ जाओ, खाना खा लो। वाह, क्या तुमने सब्जियां खाना शुरू कर दिया? क्या ये सब्जियां हैं? ओह हाँ। केसी, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं? मुझे जो दिखा वो मैंने पहन लिया। मुझे अब और कुछ नहीं खाना, क्या मैं जाऊं? ओके, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बर्गर दिला सकता हूँ। नहीं, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। ईवा, मेरी ईवा। केसी, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे देखने दो, उसमें ईवा की फोटो है, मैंने देखा अभी। हाँ नहीं, ये तो बस एक कचरा है और कचरे के अलावा उसमें और कुछ भी नहीं है। लेकिन मम्मी। वहाँ कुछ भी नहीं है बेटा, ये तुम्हारे मन का भ्रम है। हाँ शायद आप सही हो, मुझे कुछ देर टहलना है। अच्छा रहेगा कि अगर मैं उसे बाहर फेंक दूँ। हाँ अरे बाय द वे, मैं तो बताना ही भूल गई, डॉनी ने मुझे बाहर जाने के लिए पूछा। क्या, और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तुम लोगों को काफी टाइम हो गया बात करते हुए, और तुम डेट पर क्या पहनने वाली हो? शायद वो पिंक ड्रेस जिसमें जेम्स लगे हैं, देखो। वाव, डोनी तो दीवाना हो जाएगा। ऐसा ही हो। क्या, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये ईवा ही है या फिर मुझे भ्रम हो रहा है? नहीं हाँ, ये सच है, ईवा। ईवा, इतने टाइम तक तुम कहाँ थी? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। केसी, क्या हुआ? मेरी बहन ईवा। केसी, क्या परेशानी है तुम्हारी? तुम तो चुप ही रहो, जब मैंने ईवा के बारे में पूछा तो तुमने मुझसे झूठ बोला। हाँ। मैं नहीं जानती ईवा कौन है। तो ये कौन है? लोला। क्या मतलब लोला? लोला तुम्हारी क्लासमेट, ये बचपन से हमारे साथ पढ़ रही है, तुम्हें हो क्या गया आखिर? हाँ, क्या तुम्हारा नाम सच में लोला है? Obviously. लगता है मैं सच में पागल हो गई हूँ।
लोला चलो चलते हैं, ये लड़की तो बिल्कुल पागल है। हाँ खा लो मेरी प्यारी बहन ईवा, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। शाबाश। ओप्स, तुम थोड़ी गंदी हो गई हो। मुझे लगता है हमने कुछ ज्यादा ही कर दिया। हाँ, अब हमें इसे खत्म कर देना चाहिए। बेटा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं ईवा को खिला रही हूँ, वो भूखी थी और दलिया खाना चाहती थी। खा लो मेरी छोटी बहन। अच्छा ऐसा है, मैं और पापा तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। नहीं नहीं, मुझे ईवा को खिलाना है। इसको तुम बाद में खिला लेना, चलो हमारे साथ। हाँ? आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? ईवा भी भूखी है। हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। देखो सरप्राइज। मुझे फिर से भ्रम हो रहा है, मुझे दौरे पड़ रहे हैं। तुम्हें कोई भ्रम नहीं है, मैं हूँ, मैं सच में हूँ। चली जाओ, तुम नहीं हो, तुम नहीं हो। केसी शांत हो जाओ, ये ईवा ही है, तुम्हारी बहन। ये सच में यहाँ पर है, ये कहीं पर गई ही नहीं थी। लेकिन कैसे, आपको तो याद भी नहीं थी। वैसे ये तुम्हारे लिए एक प्रैंक। हाँ, हम तुम्हारी शैतानियों से तंग आ चुके थे और हमें लगा कि कुछ ना कुछ तो करने की जरूरत है। मेरी क्लासमेट का क्या, मिया और जैक, क्या वो भी इसमें शामिल थे? सारे लोग बस एक जैक को छोड़कर, लेकिन वो भी तुम्हारे प्रैंक से परेशान था। जैक क्यों नहीं? क्योंकि उसे टीना के अलावा और कुछ याद नहीं है। लेकिन मुझे खुशी है कि मेरी बहन लौट आई। मैं अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। आई लव यू वेरी मच। आई लव यू टू। वाओ, ये सब तुम्हारे लिए है, ले लो जो तुम्हें चाहिए। और ये मेकअप भी। वाओ, क्या सच में? बिल्कुल, तुम मेरी कोई भी चीज ले सकती हो, बस फिर कभी गायब मत होना प्लीज। प्रॉमिस करती हूँ कभी नहीं। मैं कुछ भी ले सकती हूँ? हाँ, जो भी तुम चाहो। तो आज मैं ये बैग लेकर वॉक पर जाऊंगी, जा सकती हूँ ना? नहीं, इस बैग के अलावा कुछ भी। केसी, फिर से? ये बैग सिर्फ मेरा है। लेकिन मुझे भी यूज करना है। नहीं, ये मेरा है, इसे छोड़ो, दूसरा ले लो, ये मेरा है। ये मुझे दे दो, मुझे दे दो। तुमने कहा था कि मैं ले सकती हूँ, मुझे दे दो। कितना अच्छा हुआ कि हमारी बेटियों के बीच दोस्ती हो गई है। हाँ, मुझे उम्मीद तो है कि वो दोबारा कभी नहीं लड़ेंगे। बैग वापस दो। नहीं, तुम वापस करो। फिर से? फिर से?